वेलकम डियर फ्रेंड्स, लक्ष्य कैम पॉइंट केमिस्ट्री ऑफ यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथर एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ इथर। दिस इज द लास्ट वीडियो फॉर ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट, दैट मीन्स एल्कोहल, फिनॉल एंड इथर। तो सबसे पहले आज अपन स्टार्ट करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथर। तो सबसे पहला पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, डाइमिथाइल इथर एंड इथाइल मिथाइल इथर आर गैसेस। मीनिंग यहाँ पर अपन यही देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भी इथर है उसकी जो फिजिकल स्टेट है वो कौन सी है, वो कब तो आपके गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज कब आपके सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर आपको पॉइंट ये ध्यान रखना है, डाइमिथाइल इथर एंड इथाइल मिथाइल इथर आर गैसेस, ये जो दोनों आपके इथर है इनका जो फिजिकल स्टेट क्या होगी, गैसेस नेचर का होगा। आर अदर्स आर कलरलेस लिक्विड्स विद प्लीजेंट ऑर्डर। और इसके अलावा जितने भी आपके इथर्स है उनका वो कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं, और साथ में उनकी फिजिकल स्टेट कैसी होती है, लिक्विड स्टेट के अंदर क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर अपन डील करेंगे सोल्युबिलिटी ऑफ इथर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो इथर का जो मॉलिक्यूल होता है वो नेचर में कैसा होता है, जनरली अपन ये बोल सकते हैं कि नेचर में कैसा होता है, नॉन पोलर होता है। और अपन ने पहले डिस्कस कर रखा है सोल्युबिलिटी वाले चैप्टर के अंदर, क्या सेम डिजोल्व सेम, मीनिंग जो पोलर मॉलिक्यूल है पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होता है, और जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होता है, डिजोल्व होता है। तो अपन जनरली यहाँ पर कौन से नेचर की बात करेंगे, इथर, और इथर का नेचर कैसा होता है, नॉन पोलर, और नॉन पोलर है तो कौन से सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट। और आपको ये ध्यान रखना है कि ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट है, मैक्सिमम ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, नॉन पोलर होता है। तो सेकंड वाला पॉइंट देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, इथर्स आर स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वॉटर, मीनिंग वॉटर के अंदर जो इथर की सोल्युबिलिटी है वो मिनिमम होती है, मीनिंग कैसे होती है, स्पेरिंगली सोल्यूबल होते हैं, बट रीडिली सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सोलवेंट, लेकिन यह जो भी ऑर्गेनिक सोलवेंट है उनके अंदर जो इथर है उनकी सोल्युबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, मीनिंग रीडिली क्या हो जाती है, सोल्यूबल हो जाती है। सोल्युबिलिटी ऑफ इथर इज वॉटर इन प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्कोहल, परहैप्स ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बिटवीन द इथर ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल। यहां पर ये अब यहां पर आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि जिस टाइप से आपका जो इथर होता है वो वॉटर के अंदर क्या होता है, स्पेरिंगली सोल्यूबल होता है। इसके पीछे लॉजिक क्या है कि यहां पर लेस अमाउंट में कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है, कौन कौन से मॉलिक्यूल के मिड में, इथर एंड वॉटर मॉलिक्यूल है इसके मिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसका फॉर्मेशन हो सकता है, लेकिन उसका जो अमाउंट रहेगा, जो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो क्या रहेगी, मिनिमम रहेगी, इसलिए क्या होगा, स्पेरिंगली सोल्यूबल होगा। थर्ड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, अगर यहां से देखो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथर की अपन बात करते हैं तो यहां पर जब भी प्रॉब्लम एग्जामिनर आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर पुटअप करेगा तो मैक्सिमम चांस के अंदर वो बॉइलिंग पॉइंट से डील करवाएगा, किससे डील करवाएगा, बॉइलिंग पॉइंट से। तो ये जो पॉइंट नंबर थर्ड है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है फिजिकल प्रॉपर्टीज में से, अगर क्वेश्चन आपके सामने पुटअप होगा बोर्ड एग्जाम में तो बस बॉइलिंग पॉइंट है, इसी पॉइंट से वो क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। आप देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट है किस टाइप से वेरिएबल होता है इथर का। तो देखिए पहला पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथर शोज ए ग्रेजुअल इंक्रीज विद इंक्रीजेज इन मॉलिक्यूलर वेट। अब देखिए यहां पर क्या बोल रहा है कि एज वेल एज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इथर इंक्रीजेस देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथर इज आल्सो इंक्रीजेस। ये अपन पहले से जानते हैं क्या कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, एज वेल एज मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीजेस देन बॉइलिंग पॉइंट शुड बी इंक्रीजेस। नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसी के अंदर, इथर्स हैव लो बॉइलिंग पॉइंट देन आइसोमेरिक एल्कोहल्स एज देयर इज नो एसोसिएशन इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इन एन एल्कोहल ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथर्स आर क्लोज टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन। यहां पर एक आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर मेंशन करा है कि जब भी आपको बॉइलिंग पॉइंट का कंपेरिजन करना है एल्कोहल और इथर के मिड में तो ऑलवेज कीप इट इन माइंड एल्कोहल हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट देन इथर, बिकॉज एल्कोहल पजेज एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बट देर आर नो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट इन इथर, मीनिंग इथर के अंदर किसी भी टाइप का हाइड्रोजन बॉन्ड है वो पजेज नहीं होता है, मीनिंग प्रेजेंट नहीं होता है, तो वहां पर इथर के जो भी मॉलिक्यूल है उनका एसोसिएशन नहीं होगा। लेकिन जब अपन बात करते हैं एल्कोहल तो एल्कोहल के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो प्रेजेंट होता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू क्या हो जाता है,
एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल, और जैसे ही आपके पास एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल होता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ऑलवेज कीप इट इन माइंड, एल्कोहल हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट देन इथर, क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड देखो फिर क्या बोल रहे, जो बॉइलिंग पॉइंट है इथर का वो किसके कंपेरिजेबल होता है, किसके सिमिलर होता है, एल्केन के इक्वल होता है, क्लियर? मीनिंग एल्केन और जो इथर है इनके बॉइलिंग पॉइंट में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। लास्ट पॉइंट देखेंगे इथर के फिजिकल प्रॉपर्टी से, दे आर लाइटर देन वॉटर, वॉटर से क्या होते हैं, लाइटर होते हैं, मीनिंग इनका जो डेंसिटी है, ऑलवेज कीप इट इन माइंड द डेंसिटी ऑफ द इथर ऑलवेज स्मॉलर देन वॉटर, मीनिंग वॉटर से अगर इनकी डेंसिटी क्या है, लाइटर है, तो वॉटर के ऊपर क्या करेंगे, ये फ्लो करेंगे, क्लियर है? वॉटर इथर्स आर हाईली वोलेटाइल, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इथर्स क्या होते हैं, हाईली वोलेटाइल होते हैं, मीनिंग क्या होते हैं, लिक्विड स्टेट से इजिली जो आपके वेपर फेज है गैसीय स्टेट में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इथर वो क्या होते हैं आपके, हाईली वोलेटाइल एंड वेरी इनफ्लेमेबल, और क्या होते हैं इनका नेचर कैसा होता है, वेरी इनफ्लेमेबल है, मीनिंग जल्दी से क्या करते हैं, ये आपके फ्लेम को कैच कर लेते हैं। तो यहां पर आपके आकर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो इथर है ये कंप्लीट होती है। बस एकमात्र आपको ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन सा, बॉइलिंग पॉइंट वाला, एल्कोहल और इथर का बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन आना चाहिए। और यहां पर क्या लॉजिक है कि जो इथर है इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो एल्कोहल के कंपैरिजन में क्या हो गया, लेस हो गया। एक रीजन बोलना है, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्लियर है? अब नेक्स्ट अपनी जो आपका टॉपिक है, बात करते हैं अपन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथर, मीनिंग अब इसके अंदर अपन ये डिसाइड करेंगे जो इथर है वो कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन है वो प्रोवाइड करता है। सबसे पहली रिएक्शन की अगर बात करें अपन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथर के अंदर, तो पहली टाइप की जो रिएक्शन अपन डिस्कस करेंगे, रिएक्शंस ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। मीनिंग आपको ये पता है कि जो इथर होता है, ये लीजिए इथर का मीनिंग क्या है, ROR। तो यहां पर अपन इस कैटेगरी के अंदर कौन सी रिएक्शन की स्टडी करेंगे, ऐसी इथर की रिएक्शन की स्टडी करेंगे जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन, मीनिंग ये CO बॉन्ड का क्या होगा, क्लीवेज होगा, क्लियर है? पहला पॉइंट यहां पर मेंशन करता हूं मैं, इथर्स रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड का मीनिंग क्या हो गया, HX हो गया, क्लियर है? अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस, और कंडीशंस कैसी होनी चाहिए, ड्रास्टिक कंडीशन होनी चाहिए, डाई एल्काइल इथर गिव्स टू एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी आपके पास जो इथर है अगर वो रिएक्शन कर रहा है हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, मीनिंग HX के साथ रिएक्शन है, और साथ में कंडीशन कैसी है, ड्रास्टिक कंडीशन है, तो उस वाली कंडीशन में ऑलवेज कितने मॉलिक्यूल एल्काइल हैलाइड के फॉर्मेशन होंगे, तो ऑलवेज कीप इट इन माइंड टू एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल विल बी फॉर्म। किस टाइप से रिएक्शन होती है उसको अपन अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहां पर देखिए क्या है, इथर, तो इथर का मीनिंग क्या होता है, ROR, और रिएक्शन किसके साथ है, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, मीनिंग HX के साथ रिएक्शन है। ये रिएक्शन किस टाइप से यहां पर कंप्लीट हुई है वो मैं आपको यहां पर अंडरस्टैंड करवाता हूं। तो यहां पर देखिए अपन बात करें इथर, तो इथर का मीनिंग हो गया ROR हो गया, रिएक्शन किसके साथ है, हाइड्रोजन हैलाइड, मीनिंग H और X के साथ रिएक्शन है। अब आपको इजीली पता है यहां पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के डिफरेंस के बेस पर बता सकते हो इजीली कैसे, तो ध्यान से देखो यहां पर अगर मैं बात करता हूं यहां पर कि जो अपन को कौन सा बॉन्ड के ब्रेकडाउन करना है, कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड, तो ये रहा यहां पर कार्बन और ये रहा आपके ऑक्सीजन बॉन्ड, ऑक्सीजन कि जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो किससे ग्रेटर है, कार्बन से, तो ऑक्सीजन के पास क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अगर अपन बात करें हाइड्रोजन हैलाइड मीनिंग HX की, तो हैलोजन हैविंग मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देन हाइड्रोजन एटम, सो हैलोजन पजेज पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन पजेज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब अपन जानते हैं केमिस्ट्री में क्या होता है, पॉजिटिव वाला नेगेटिव के साथ इंट्रेक्शन करके बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, और नेगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ इंट्रेक्शन करके बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। यहां से अपन कौन से बॉन्ड का ब्रेक डाउन कर रहे, ऑक्सीजन और कार्बन वाले बॉन्ड का ब्रेक डाउन कर रहे, और यहां से कौन से बॉन्ड का ब्रेक डाउन कर रहे, हाइड्रोजन हैलाइड मीनिंग हाइड्रोजन और हैलोजन वाले बॉन्ड का ब्रेक डाउन करे, तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है तो कौन से पोल के साथ इंट्रेक्शन करेगा, पॉजिटिव पोल कौन सा है, हाइड्रोजन। तो यहां पर देखो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, पहला जो प्रोडक्ट बनेगा ROH, मीनिंग क्या बन गया, एल्कोहल बन गया, और साथ में बाई प्रोडक्ट देखो क्या बनेगा, इधर से R पॉजिटिव पोल, तो इधर से नेगेटिव पोल कौन है, X, तो यहां पर किसका फॉर्मेशन हो गया, RX। मीनिंग एक मॉलिक्यूल, मीनिंग वन मॉलिक्यूल तो बना आपके पास एल्काइल हैलाइड का, और सेकंड मॉलिक्यूल किसका बना आपके पास, एल्कोहल का। लेकिन यहां पर बोला है देखो, इथर रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, मीनिंग यहां पर हाइड्रोजन हैलाइड इसका अमाउंट आपने क्या ले रखा है, लार्ज ले रखा है, लार्ज अमाउंट में इसको रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करवा रहे,
ये एल्कोहल वापिस ये रिएक्ट किसके साथ करेगा, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। तो देखिए रिएक्शन किस टाइप से बनेगी, आर ओ एच, ये तो क्या हो गया आपका एल्कोहल, और वापिस ये रिएक्शन किसके साथ था, हाइड्रोजन हैलाइड। ये लीजिए मैंने रिएक्शन मेंशन कर दी एच एक्स के साथ। अब यहां पर देखिए किस टाइप से बोन का ब्रेकडाउन होगा, यही तो अपन को अंडरस्टैंड करना है। तो यहां पर देखो अपन कौन सी रिएक्शन, कौन सी बोन का ब्रेकडाउन करेंगे, कार्बन एंड ऑक्सीजन बोन। तो ये रहा आपके पास कार्बन और ये रहा आपके पास ऑक्सीजन। तो अगर आपने इस कार्बन ऑक्सीजन बोन का ब्रेकडाउन किया इथर में, तो वही बात है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव देन कार्बन एटम, देन ऑक्सीजन पजेज पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन पजेज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सेम थिंग यहां पर होगी, हाइड्रोजन एंड हेलोजन है, तो हेलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन एटम, सो हेलोजन पजेज पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन पजेज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है, जैसे आपने इन बॉन्ड का क्या कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया, तो अब आप इजिली बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, इंट्रक्शन ही तो करवाना है। तो यहां पर देखो आर पॉजिटिव है, तो कौन से किसके साथ रिएक्शन करेगा, नेगेटिव वाले के साथ, और नेगेटिव वाला कौन है यहां पर, एक्स। तो यहां पर देखिए कौन से मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया, एल्काइल हैलाइड मीनिंग RX का फॉर्मेशन हो गया। और अगर मैं यहां पर बात करता हूं बाय प्रोडक्ट, तो बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में क्या बनेगा, देखो ओ अंश पर क्या है नेगेटिव, और इधर से पॉजिटिव वाला कौन है एच, मीनिंग एच प्लस ओ अंश नेगेटिव किसका फॉर्मेशन कर देगा, वॉटर मॉलिक्यूल। तो यहां पर सेकंड वाला प्रोडक्ट कौन सा फॉर्मेशन हो जाएगा, वॉटर मॉलिक्यूल। तो अगर इस रिएक्शन का मैं कंक्लूजन देखूं, तो यहां पर क्या हो रहा है कि जब भी आपके पास डाई एल्काइल ईथर रिएक्शन कर रहा है एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, तो उस वाली कंडीशन में देखो कितना एल्काइल हैलाइड बन रहा है, तो एक तो ये वाला एल्काइल हैलाइड बन गया और एक ये वाला एल्काइल हैलाइड बन गया, मीनिंग कितने मॉलिक्यूल बन रहे, टू मॉलिक्यूल ऑफ एल्काइल हैलाइड इज फॉर्म, और साथ में बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, वॉटर मॉलिक्यूल। क्लियर है, तो इसी टाइप से आपको ध्यान रखना है। ये देखो सिंपल रिएक्शन, इसी टाइप से मैंने इसको अंडरस्टैंड करवा दिया किस टाइप से रिएक्शन कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए, एल्काइल एराइल इथर रिएक्ट विद हाइड्रोजन हैलाइड टू गिव फिनोल एंड एल्काइल हैलाइड, एराइल ऑक्सीजन बॉन्ड इज नॉट क्लीव्ड ड्यू टू द हाई स्टेबिलिटी ऑफ द एराइल ऑक्सीजन बॉन्ड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, अभी जो आपके रिसेंटली जो आपका नीट का एग्जाम हुआ था वहां पर भी इस टाइप की एक रिएक्शन गिवन थी आपको, और ये यहाँ पर इंपोर्टेंट क्यों बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, एराइल वाले एल्काइल वाले कार्बन और ऑक्सीजन वाला बॉन्ड ब्रेकडाउन होगा, ना कि एराइल वाला कार्बन और आपके ऑक्सीजन वाला बॉन्ड का ब्रेकडाउन यहाँ पर कभी भी नहीं होता है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है। क्या कहना चाहता है इस स्टेटमेंट के अंदर, तो देखो मैं आपको ब्रीफ के अंदर बताता हूँ इसका मीनिंग क्या है। तो यहां पर देखिए अगर आपने इसने क्या बोला है, एल्किल एल्काइल एराइल इथर की बात की है, तो यहां पर देखना ध्यान से, ये मेंशन करता हूं मैं आपके पास कोई ऐसा इथर जिसके अंदर एराइल वाला पार्ट भी है और साथ में आपके पास एल्काइल वाला पार्ट भी है, तो ये हो गया आपका एल्काइल एराइल इथर हो गया। इसकी रिएक्शन किसके साथ है, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। तो ये लीजिए मैंने मेंशन कर दिया एच एक्स, और यहां पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो ध्यान से देखिए अपन ने यही बोला है कि यहां पर कौन से बॉन्ड का ब्रेकडाउन होगा, अपन को तो यही कंसीडर करना है। तो यहां पर देखो कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड का ब्रेकडाउन होता है, तो ये वाले बॉन्ड का भी ब्रेकडाउन हो सकता है, मीनिंग एल्काइल वाले कार्बन और ऑक्सीजन का, और इस वाले कार्बन और ऑक्सीजन का, मीनिंग ये वाला बॉन्ड है ना जो एराइल कार्बन और ऑक्सीजन, ये वाला बॉन्ड है, इस वाले बॉन्ड का ब्रेकडाउन नहीं होता है। क्यों, क्योंकि ये वाले ऑक्सीजन है, इसके जो लोन पेयर है वो इस बेंजीन रिंग के साथ किसमें होते हैं, कॉन्जुगेशन में होते हैं, और ये वाला बॉन्ड क्या हो जाता है, स्ट्रोंग हो जाता है ड्यू टू हैविंग पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इन बिटवीन द कार्बन एंड ऑक्सीजन। एराइल वाले कार्बन और ऑक्सीजन के मिड में पार्शियल डबल बॉन्ड का कैरेक्टर है वो डेवलप हो जाता है किसके कारण, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस। तो ऑलवेज कीप इट इन माइंड, एल्काइल एराइल ईथर के जब भी केस आएगा उस वाली कंडीशन में एल्काइल वाला कार्बन और ऑक्सीजन वाला बॉन्ड का ये क्या होता है, आपको क्लीवेज करवाना है। तो यहां पर देखिए आपको इजीली पता है, वही थिंग आ गई यहां पर, तो हेलोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पार्शियल नेगेटिव, यहां पर क्या आ गया पार्शियल पॉजिटिव। इस वाले में आपको स्पेशली ध्यान रखना है कौन से एग्जाम्पल में, एल्काइल एराइल ईथर में ऑलवेज कौन से बॉन्ड को क्लीव करना है, एल्काइल वाला कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड को। तो यहां पर तो क्या हो गया आपके पास पॉजिटिव, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो पार्शियल नेगेटिव। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपके पास में, तो यहां पर देखिए प्रोडक्ट ये बनेगा, ये वाला जो आपके पास एराइल रिंग थी वो तो एजिट आ जाएगी आपके पास। तो ये लीजिए मैंने मेंशन कर दिया यहां पर, जो भी आपके पास एराइल रिंग थी
वो एज इट मेंशन कर दी। साथ में ये किससे कनेक्ट है, सिंगल बॉन्ड, देन किससे कनेक्ट हो गया, ऑक्सीजन से। क्लियर है यहां तक? अब देखो यहां पर नेगेटिव है, नेगेटिव किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव कौन है, एच, नहीं यहां पर क्या अटैच हो जाएगा, हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। प्लस बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो यहां पर देखो आर पॉजिटिव और इधर क्या आ गया एक्स नेगेटिव, तो यहां पर क्या बन जाएगा, आर एक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। आपके पास जो प्रोडक्ट बना है उन प्रोडक्ट के क्या क्या नोमेनक्लेचर हो जाएगा, एक तो आपके पास बन गया एल्काइल हैलाइड और सेकंड वाला आपके पास बना है फिनोल। तो ऑलवेज कीप इट इन माइंड व्हेन एल्काइल एराइल ईथर रिएक्ट विद हाइड्रोजन हैलाइड देन फिनोल शुड बी फॉर्म्ड। तो उस वाली कंडीशन में ऑलवेज किसका फॉर्मेशन होगा, फिनोल का। और ये वाला बॉन्ड का आपने ब्रेक डाउन क्यों नहीं किया है, क्योंकि यहां पर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस एराइल कार्बन एंड ऑक्सीजन गेट्स पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान देना, ये वाली रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट बनती है, इसमें ऑलवेज आपको एल्काइल वाला कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड को क्या करवाना है, क्लीव करवाना है। क्लियर है यहां तक? तो ये वाली रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट बनती थी। ये स्टेटमेंट का मीनिंग यही था, एल्काइल एराइल ईथर रिएक्ट विद हाइड्रोजन हैलाइड टू गिव फिनॉल एंड एल्काइल हैलाइड, एराइल ऑक्सीजन बॉन्ड इज नॉट क्लीव्ड ड्यू टू द हाई स्टेबिलिटी ऑफ द एराइल ऑक्सीजन बॉन्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस। और इसके पीछे लॉजिक क्या होगा, रेजोनेंस के कारण ही क्या होगा, आपकी ये वाला बॉन्ड ब्रेक डाउन नहीं होगा। क्लियर हो गया यहां तक? अब देखो यहां पर अपन बात कर रहे थे कि जब भी आपके पास कब तो सिमेट्रिकल इथर आएगा, कब आपके पास अनसिमेट्रिकल इथर है, तो उस वाली कंडीशन में किस टाइप से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है। तो आइए सबसे पहले अपन देखो, सबसे पहले पॉइंट अपन यही डिस्कस करते, व्हेन द टू एल्काइल ग्रुप्स आर डिफरेंट, वन एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल एंड वन एल्कोहल मॉलिक्यूल इज फॉर्म। तो यहां पर आपको देखो ये बात भी मैं आपको हिंट के साथ बता देता हूं, आपको ऑलवेज कीप इट इन माइंड कि जब भी आपके पास जो इथर आता है वो कैसा आता है, सिमेट्रिकल। जैसे मैं यहां पर बात करता हूं आर ओ आर, ये क्या आपके पास इथर, और यहां पर मैंने दोनों एल्काइल ग्रुप क्या लिए, सेम लिए। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी व्हेन बोथ एल्काइल ग्रुप आर सेम देन इथर इज सिमेट्रिकल। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपके पास सिमेट्रिकल इथर आता है और सिमेट्रिकल इथर की रिएक्शन किसके साथ आप मेंशन करवा देते हो, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, तो उस वाली कंडीशन के अंदर क्या क्या फॉर्मेशन होगा, टू मॉलिक्यूल ऑफ एल्काइल हैलाइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल। तो ये प्रोडक्ट बनते हैं, ऑलवेज कीप इट इन माइंड, व्हेन इथर इज सिमेट्रिकली, सिमेट्रिकल इथर रिएक्ट विद हाइड्रोजन हैलाइड देन टू मॉलिक्यूल ऑफ एल्काइल हैलाइड इज फॉर्म। लेकिन जब भी आपके पास इथर कौन सा आ जाता है, अनसिमेट्रिकल, ध्यान से समझना, जैसे आर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहां पर मैंने मेंशन कर दिया आर डैश से, ये वाला एल्काइल ग्रुप और ये वाला एल्काइल ग्रुप दोनों क्या है, डिफरेंट नेचर के, और जब इनके आप रिएक्शन किसके साथ करवाते हो, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। तो ऑलवेज कीप इट इन माइंड, इस वाली कंडीशन में आपके पास टू मॉलिक्यूल ऑफ एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना है इस वाली कंडीशन में क्या बनेगा, ये वाला कौन सा इथर है, अनसिमेट्रिकल इथर है, कौन सा इथर है, अनसिमेट्रिकल इथर। और जब भी आपके पास अनसिमेट्रिकल इथर आता है तो उस वाली कंडीशन में क्या बनेगा, वन मॉलिक्यूल तो आपके पास एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा और वन मॉलिक्यूल का क्या बन जाएगा, एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है? मीनिंग यहां पर वन मॉलिक्यूल तो आपका किसका फॉर्मेशन हो गया, एल्काइल हैलाइड, वन मॉलिक्यूल तो किसका फॉर्म हो गया, एल्काइल हैलाइड, और सेकेंड वाला मॉलिक्यूल कौन सा फॉर्म हुआ है आपके पास, एल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ है। और जब आपके पास सिमेट्रिकल इथर था उस वाली कंडीशन में आपके पास टू मॉलिक्यूल किसके फॉर्म हुए थे, एल्काइल हैलाइड के। तो ये इंपॉर्टेंट बनता है यहां पर कि जब भी आप हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन प्रोसीड करवाते हो तो इथर को जरूर देख लेना कि वो सिमेट्रिकल है, अदरवाइज अनसिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल है तो आपके पास टू मॉलिक्यूल ऑफ एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, अदरवाइज आपके पास अनसिमेट्रिकल इथर है तो उस वाली कंडीशन में वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल इज फॉर्म। क्लियर है? तो यहां पर इन स्टेटमेंट को अपन देखो अप्लाई करते हैं, व्हेन द टू एल्काइल ग्रुप आर डिफरेंट, मीनिंग डिफरेंट का मीनिंग क्या हो गया, अनसिमेट्रिकल हो गया, तो उस वाली कंडीशन में क्या होगा आपके पास, वन मॉलिक्यूल तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा आपका, एल्काइल हैलाइड, और सेकंड वाला मॉलिक्यूल किसका फॉर्मेशन हो जाएगा आपका, एल्कोहल। मीनिंग एक तो क्या बनेगा, एल्काइल हैलाइड आरएक्स बन जाएगा और सेकंड वाला क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। जैसे यहां पर एग्जांपल ये मेंशन किया है मैंने, तो यहां पर देखो ये अपन इसको पहले अंडरस्टैंड कर चुके हैं। ये वाला नोट इंपॉर्टेंट, नोट के अंदर क्या ध्यान रखना है आपको, ऑलवेज ध्यान रखना है। तो नोट क्या मेंशन करा है,
एल्काइल हैलाइड इज ऑलवेज फॉर्म्ड फ्रॉम द स्मॉलर एल्काइल ग्रुप। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी आपके पास मिक्स्ड ईथर आपको गिवन है, मीनिंग अनसिमेट्रिकल ईथर है, तो उस वाली कंडीशन में आपको ऑलवेज एल्काइल हैलाइड अपन को किसका फॉर्मेशन करना है, तो ऑलवेज कीप इट इन माइंड ऑलवेज स्मॉलर एल्काइल ग्रुप फॉर्म एल्काइल हैलाइड। क्लियर है? मैं आपको इसकी ट्रिक भी बता देता हूं आपको किस टाइप से इसको लर्न करना है ताकि आपको इजीली पता चल जाए। तो यहां पर अपना आगे थे कौन सा था, अपना अनसिमेट्रिकल ईथर था। क्लियर है? यहां पर अब इसी के आगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जैसे मान लीजिए आपके पास मिक्स्ड ईथर है, आ सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड आर डेस। क्लियर है? ये कौन सा ईथर आपके पास मिक्स्ड ईथर है, मिक्स्ड ईथर, या आप इसको क्या बोल सकते हो, सिमेट्रिकल ईथर बोल, अनसिमेट्रिकल ईथर बोल सकते हो। इसके रिएक्शन किसके साथ है, एच एक्स के साथ है। क्लियर है? तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि यहां पर क्या बनेगा, वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल। क्लियर है? अब आपको यही यहां पर ध्यान देना है कि कौन सा मॉलिक्यूल तो आपका एल्काइल हैलाइड बनाएगा और कौन सा मॉलिक्यूल आपका एल्कोहल बनाएगा। क्लियर है? तो मैं आपको देखो बिल्कुल ट्रिक बता देता हूं इसकी शॉर्ट के अंदर बिल्कुल, तो आपको इसी ट्रिक के साथ इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। आपके बोर्ड एग्जाम में भी इस टाइप की क्वेश्चन पूछी जाती है क्योंकि यहां पर कंफ्यूज हो जाता है कि किसका तो अपन को एल्काइल हैलाइड बनाना और किसका अपन को एल्कोहल बनाना, तो हमेशा ध्यान रखना है। अब ट्रिक मेंशन कर रहा हूं मैं आपके लिए, ट्रिक के अंदर क्या ध्यान रखना है कि जब भी आपके पास मिक्स्ड ईथर में, क्लियर है, रिपीट कर रहा हूं मैं, मिक्स्ड ईथर, जब भी आपके पास मिक्स्ड ईथर है, ट्रिक मेंशन करता हूं मैं, मिक्स्ड ईथर शॉर्ट में लिख रहा हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी क्या हो गया मिक्स्ड ईथर है, तो इस मिक्स्ड ईथर के अंदर जो स्मॉलर एल्काइल ग्रुप, स्मॉलर एल्काइल ग्रुप, जो भी आपका स्मॉलर एल्काइल ग्रुप होगा, क्लियर है, उसका तो क्या बना देंगे अपन एल्काइल हैलाइड, उसी का क्या बनाएंगे एल्काइल हैलाइड बनाएंगे। क्लियर है? और यहां पर जो रिएक्शन की मैकेनिज्म है वो कौन सी रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू ये मूव होगा, तो आपको ध्यान रखना है यहां पर आपकी मैकेनिज्म होगी SN2 मैकेनिज्म। कौन सी मैकेनिज्म होगी? SN2 मैकेनिज्म। क्लियर है? स्मॉलर एल्काइल ग्रुप का मेरा मीनिंग क्या होगा, या तो प्राइमरी होगा, अदरवाइज कौन सा होगा सेकेंडरी, ये भी ध्यान रखना है। या तो आपके पास 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप होना चाहिए, अदरवाइज कौन सा होना चाहिए सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपके पास जो मिक्स्ड ईथर में क्या आ गया 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप है, अगर मान लीजिए जो भी आपको गिवन है मिक्स्ड ईथर उसके अंदर जो एल्काइल ग्रुप का नेचर कौन सा आ गया 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप है, क्लियर है, तो उस वाली कंडीशन में ऑलवेज ध्यान रखना आपको मैकेनिज्म कौन सी ऑपरेट होगी, SN1 मैकेनिज्म ऑपरेट होगी। क्लियर है? और यहां पर जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा वो कौन से ग्रुप का एल्काइल हैलाइड बनेगा, तो ध्यान रखना ऑलवेज टर्शियरी ग्रुप का क्या बनेगा एल्काइल हैलाइड बनेगा। बस ये दो बातें ध्यान रखनी है ट्रिक के साथ, वापिस से रिपीट करता हूं मैं कैसे लर्न करना है कि जब भी आपके पास मिक्स्ड ईथर आपको गिवन और उसकी रिएक्शन किसके साथ हो हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, तो जब भी आपके पास 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप हो तो उस वाली कंडीशन में जो स्मॉलर ग्रुप है उसका क्या फॉर्म कर देंगे अपन एल्काइल हैलाइड फॉर्मेशन कर देंगे। और मैकेनिज्म कौन सी होगी वहां पर SN2 मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन प्रोसीड होगी। लेकिन जब बात करेंगे आपके पास जो भी मिक्स्ड ईथर और मिक्स्ड ईथर में आपके पास 1 एल्काइल ग्रुप कौन सा आ गया 3 डिग्री वाला आ गया, तो उस वाली कंडीशन में ऑलवेज कीप इट इन माइंड SN1 मैकेनिज्म इज ऑपरेट एंड टर्शियरी एल्काइल हैलाइड विल बी फॉर्म्ड एज ए मेजर प्रोडक्ट। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना है, तब की बात है मिक्स्ड ईथर में जब क्या हो आपके पास टर्शियरी एल्काइल ग्रुप हो। क्लियर है? कौन सा आपके मिक्स्ड ईथर हो और मिक्स्ड ईथर में क्या होना चाहिए, अगर आपके पास टर्शियरी एल्काइल ग्रुप हो तो उस वाली कंडीशन में SN1 मैकेनिज्म ऑपरेट होगी और कौन सा एल्काइल हैलाइड बन जाएगा टर्शियरी एल्काइल हैलाइड बन जाएगा। अब अपन इनको अप्लाई करते हैं, मीनिंग किस टाइप से आपको इनको एप्लीकेशन है वो देखते हैं अपन यहाँ पर। तो आइए अपनी जो पॉइंट है वहीं पर मूव करते हैं अपन। ये लीजिए ये आ गया था एल्काइल हैलाइड इज ऑलवेज फॉर्म फ्रॉम द स्मॉलर एल्काइल ग्रुप। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल आ गया, जैसे देखो एक तरफ तो कौन सा एल्काइल ग्रुप है मिथाइल और सेकंड साइड कौन सा इथाइल है मीनिंग CH2 CH3, तो दोनों में से स्मॉलर कौन सा है मिथाइल वाला, क्योंकि यहाँ पर एक ही कार्बन का एल्काइल ग्रुप है और इथाइल कितने कार्बन का 1 और 2 कार्बन का, तो स्मॉलर कौन सा है मिथाइल, तो मिथाइल का क्या बनाना है आपको एल्काइल हैलाइड, तो यहाँ पर देखो क्या बनेगा CH3। आइए देखिए क्या बन गया CH3, मीनिंग जो स्मॉलर एल्काइल ग्रुप है
इसी को आपने किस में कन्वर्ट किया, एल्काइल हैलाइड में। जो रिमेनिंग का क्या फॉर्मेशन कर दोगे, एल्कोहल, तो यहाँ पर देखो CH3CH2OH, जो लार्जर ग्रुप है उसका क्या फॉर्म कर दिया, एल्कोहल बन गया। क्लियर है। नेक्स्ट वाला पॉइंट अपन को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसको, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन वाले चैप्टर में। द ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड इज, यहाँ पर मैक्सिमम रिएक्टिव कौन होता है, हाइड्रोजन आयोडाइड, देन हाइड्रोजन ब्रोमाइड, देन हाइड्रोजन क्लोराइड। इसका रीजन भी बताया, क्योंकि हाइड्रोजन और आयोडाइड के मिड में जो बॉन्ड लेंथ क्या होती है मैक्सिमम, और जितना बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम होगा उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतनी मिनिमम होगी, तो बॉन्ड को इजिली अपन क्या कर सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो ऑलवेज कीप इट इन माइंड, हाइड्रोजन आयोडाइड इज मोस्ट रिएक्टिव, देन हाइड्रोजन ब्रोमाइड, देन हाइड्रोजन क्लोराइड। क्लियर है। तो यहाँ पर नेक्स्ट वाला पॉइंट देखो, हाउएवर व्हेन वन ऑफ द एल्काइल ग्रुप इज टर्शरी द एल्काइल हैलाइड इज फॉर्म्ड फ्रॉम द टर्शरी एल्काइल ग्रुप। ये अपन मैंने आपको पहली ट्रिक बता दी कि जब भी आपके पास मिक्स्ड ईथर और इसके अंदर स्मॉलर एल्काइल ग्रुप मीनिंग 1 डिग्री या 2 डिग्री हो, तो उस वाली कंडीशन में SN2 मैकेनिज्म ऑपरेट होती है, जो एल्काइल हैलाइड बनता है किसका बनता है, आपके स्मॉलर का बनता है, मीनिंग ये R क्या आना चाहिए, स्मॉलर होना चाहिए। एल्काइल ग्रुप है वो कैसा होना चाहिए, आपका स्मॉलर होना चाहिए। क्लियर है। अगर मिक्स्ड ईथर में आपके पास एक भी ग्रुप कौन सा आ गया, टर्शरी आ गया, उस वाली कंडीशन में ऑलवेज जो एल्काइल हैलाइड कौन सा बनेगा, टर्शरी एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है। तो इसने यही पर यही मेंशन किया है। किस टाइप से एग्जाम्पल है इसका, एक एग्जाम्पल भी मेंशन कर देता हूं मैं, ताकि आपको रिएक्शन वो इजिली अंडरस्टैंड हो जाए। जैसे यहां पर एग्जाम्पल लेते हैं अपन एक, तो ये लीजिए मैं एग्जाम्पल मेंशन कर रहा हूँ टर्शरी एल्काइल ग्रुप का। ये लीजिए एग्जाम्पल, जैसे CH3, क्लियर, सिंगल बॉन्ड, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर कार्बन, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, इथर बनाना है, तो यहाँ पर किससे कनेक्ट कर दिया इसको, ऑक्सीजन से, और यहाँ पर मैंने क्या कनेक्ट कर दिया CH3। रिएक्शन किसके साथ है, हाइड्रोजन आयोडाइड, तो ये मैंने मेंशन कर दिया HI। और आपको क्या बताना है इस रिएक्शन के क्या क्या प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आपको इथर को आइडेंटिफाई करना है कि इथर कौन सा है। तो यहाँ पर जैसे मैंने इथर देखा, तो यहाँ पर देखो एक वाला, तो एक वाला एल्काइल ग्रुप में तो कितने कार्बन है, 4, और इस वाले एल्काइल ग्रुप में कितना कार्बन है, ओनली 1, मीनिंग पहली बात तो ये क्लियर होगी ये इथर कौन सा है, मिक्स्ड इथर है। कौन सा इथर है आपके पास, मिक्स्ड इथर है। और मैंने बोला है कि जब भी मिक्स्ड ईथर की रिएक्शन किसके साथ है, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, मीनिंग एनचेक्स के साथ, तो ऑलवेज स्मॉलर का क्या बनाती है अपन, एल्काइल हैलाइड। लेकिन जब भी कौन सा ग्रुप आ जाए टर्शरी, तो देखो ये वाला ईथर, ये वाला कार्बन कितने कार्बन से बॉन्डेड है, 1, 2, 3, मीनिंग ये वाले जो टर्शरी, जो आपका एल्काइल ग्रुप, इसका नेचर कौन सा, टर्शरी। और अपन ने क्लियर किया कि जब भी टर्शरी एल्काइल ग्रुप आ जाता है, तो एल्काइल हैलाइड ऑलवेज किसका बनेगा, टर्शरी वाले ग्रुप का। मीनिंग यहाँ पर कौन से बॉन्ड का ब्रेकडाउन करेंगे अपन, कार्बन और ऑक्सीजन वाले, इस वाले बॉन्ड का ब्रेकडाउन करेंगे। मीनिंग यहाँ पर क्या बन जाएगा, तो देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन CH3 और इधर क्या कनेक्ट हो जाएगा आपका, आयोडीन कनेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। नहीं, एनचेक्स का बॉन्ड भी तो ब्रेक डाउन करोगे, और साथ में देखेंगे अगर बाय प्रोडक्ट की बात करें, तो यहां पर क्या बन जाएगा, CH3, ये एजिट CH3, देन सिंगल बॉन्ड, ये लीजिए सिंगल बॉन्ड, फिर क्या है ऑक्सीजन, ये रहा ऑक्सीजन। अगर ये वाला बॉन्ड अगर आप यहां से ब्रेक डाउन करते हो, तो देखो यहां पर क्या सीन क्रिएट हो जाएगा, कि यहां पर ऑक्सीजन ऑलवेज क्या, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव देन कार्बन, देन पार्शियल नेगेटिव, और इस वाले कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव। मीनिंग यहां पर कार्बन पॉजिटिव है, तो देखो इसके साथ कौन अटैच हुआ था, पार्शियल नेगेटिव वाला, मीनिंग आयोडीन, और यहां पर ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव है, तो इसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कौन करेगा, हाइड्रोजन। तो यहां पर देखो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, H यहां पर बॉन्ड बना लेगा। नहीं, यहाँ पर क्या बन गया, मिथेनॉल बन गया, और ये क्या बन गया आपका, टर्शरी ब्यूटिल आयोडाइड बन गया। नहीं, आपको यही ध्यान देना कि जो एल्काइल हैलाइड वो किसका बनेगा, टर्शरी वाले का बनेगा। क्लियर है। जैसे आपको एक और एग्जांपल मेंशन करता हूं मैं यहाँ पर, ये लीजिए जैसे CH3 CH2 ऑक्सीजन CH2 CH3 H, और यहां पर आ गया CH3। और मान लीजिए आपको अगर इसकी रिएक्शन प्रोवाइड करवा दिया हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, और आपको यहां पर पूछ लिया कि यहां पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो सबसे पहले देखो यहां पर कौन सा इथर गिवन है, तो आप इसे देखो इस वाली साइड कितने एल्काइल ग्रुप में कितने कार्बन है, 1 और 2, और इस वाले एल्काइल ग्रुप में 1, 2 और 3। नहीं, यहां पर स्मॉलर एल्काइल ग्रुप कौन सा है, 2 कार्बन वाला। साथ में आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि जो भी आपको मिक्स्ड ईथर गिवन है, इसमें टर्शरी एल्काइल ग्रुप तो नहीं है, तो यहाँ पर देखो ये कौन सा है,
प्राइमरी, और ये वाला कौन सा हो गया सेकेंडरी। ये वाला प्राइमरी एल्काइल ग्रुप है, ये वाला कौन सा हो गया सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप। मीनिंग यहां पर क्या बनेगा, स्मॉलर एल्काइल ग्रुप का एल्काइल हैलाइड बनेगा। मीनिंग स्मॉलर कौन सा, ये वाला। तो यहां पर देखो कौन से वाले बोन का ब्रेकडाउन करना पड़ेगा, इस वाले बोन का ब्रेकडाउन करना पड़ेगा। तो देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड। और यहां पर आपको इजीली पता है कि क्या सीन क्रिएट होगा, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है पार्शियल नेगेटिव, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, हाइड्रोजन आयोडाइड में आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर है तो पार्शियल नेगेटिव, इस पर क्या आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा जब बॉन्ड का ब्रेकडाउन करोगे। तो यहां पर देखिए बॉन्ड किस किस के मिड के अंदर फॉर्म हो गया, तो इजीली आपको पता चल गया CH3CH2 पॉजिटिव किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, नेगेटिव। मीनिंग यहां पर कौन आ जाएगा, आयोडीन आ जाएगा। और इसका क्या बना देंगे अपन, एल्कोहल। यहां से स्टार्ट करता हूं मैं राइट डाउन करना, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH यहां पर क्या टेस्ट था CH3, यहां पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव था, नेगेटिव किसके साथ बनाएगा पॉजिटिव के साथ, यहां पर क्या बन जाएगा एच, यहां पर क्या बन गया एल्कोहल। तो हमेशा आपको बस एक यहां से थिंग वो क्लियर करनी है कि जब भी मिक्स्ड ईथर के अंदर आपके पास टर्शियरी एल्काइल ग्रुप आता है ना, तब उसका क्या बनाएंगे एल्काइल हैलाइड बनाएंगे। अदरवाइज आपके पास टर्शियरी एल्काइल ग्रुप नहीं है, अगर प्राइमरी और सेकेंडरी है तो ऑलवेज कीप इट इन माइंड, जो भी स्मॉलर एल्काइल ग्रुप है उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर है। तो ये वाली रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट बनती है आपके RBCC बोर्ड एग्जाम और CBSE बोर्ड एग्जाम में। अब आगे कुछ रिएक्शन है जो आपके NCERT तो मेंशन नहीं करता, लेकिन जो आपके RBCC की बुक है उसमें ये रिएक्शन मेंशन है। क्लियर है। तो इसलिए मैं इसको यहां पर अंडरस्टैंड करवा देता हूं, रिएक्शन इन्वॉल्विंग एल्काइल ग्रुप। अब अपन इथर की कुछ ऐसी रिएक्शंस की स्टडी करेंगे जिसके अंदर कौन सा रिएक्शन होगी, जिसके अंदर जो एल्काइल ग्रुप है वो रेस्पॉन्सिबल होगा केमिकल रिएक्शन के लिए। क्लियर है। और एक बात आपको यहां पर जरूर ध्यान रखनी है कि जब भी आपके पास क्या बोल रहा हूं, जब भी आपके पास मिक्स्ड ईथर और उसकी रिएक्शन किसके साथ है हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, जब भी आपके पास टर्शियरी ग्रुप प्रेजेंट होता है ना, टर्शियरी एल्काइल ग्रुप, तो वहां पर तो ऑलवेज कीप इट इन माइंड रिएक्शन की मैकेनिज्म कौन सी होती है SN1। क्लियर है। अगर टर्शियरी एल्काइल ग्रुप नहीं है, प्राइमरी है सेकेंडरी है, तो उस वाली कंडीशन में ऑलवेज रिएक्शन की मैकेनिज्म कौन सी होती है SN2 होती है, ये जरूर ध्यान रखना है। क्लियर है। अब आइए एल्काइल ग्रुप के जो रेस्पॉन्सिबल है, ऐसी कौन कौन सी रिएक्शन है जो एल्काइल ग्रुप के कारण संपन्न होती है किसमें इथर के अंदर। पहली रिएक्शन एक्शन ऑफ एयर एंड लाइट, मीनिंग अपन यहां पर एक्शन देखेंगे किसका, लाइट एंड एयर का। तो यहां पर देखो पहला पॉइंट क्या मेंशन है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग एल्काइल ग्रुप लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ परोक्साइड। जब भी आपको डाई इथाइल इथर की रिएक्शन अगर ऑक्सीजन के साथ आप प्रोसीड करवाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट अदरवाइज लाइट, तो वहां पर ऑलवेज कीप इट इन माइंड किसका फॉर्मेशन होगा, परोक्साइड का फॉर्मेशन होगा। और परोक्साइड है वो किस टाइप से होगा, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी आपका अल्फा कार्बन है उस अल्फा कार्बन और हाइड्रोजन के मिड में किसको इंसर्ट करना है, ऑक्सीजन को। ये ऑलवेज ध्यान रखना। आपको क्या बोल रहा हूं रिपीट कर रहा हूं, जो भी आपके पास डाई इथाइल इथर है इसके जो अल्फा कार्बन, जैसे ये आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया, इसका अल्फा कार्बन ये कौन सा हो गया, ये वाला अल्फा कार्बन है। तो अल्फा कार्बन और जो अल्फा हाइड्रोजन के मिड में किसको इंसर्ट करवाना होता है, इस ऑक्सीजन को इंसर्ट करवाना होता है। लेकिन यहां पर एक CH बॉन्ड के मिड में किसको इंसर्ट करा दूंगा, ऑक्सीजन को। तो ये देखिए यही किया है मैंने, CH3 ये वाला कौन सा कार्बन था, अल्फा कार्बन था। क्लियर है। तो अल्फा कार्बन और ये क्या रहा अल्फा हाइड्रोजन, इसके मिड में किसको इंसर्ट करवा दिया, ऑक्सीजन को। ये देखिए मैंने इंसर्ट करवा दिया ऑक्सीजन को, मीनिंग O2 को क्या करा दिया, इंसर्ट करवा दिया। और यहां पर किसका फॉर्मेशन हो गया, परोक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट वाली पॉइंट देखिए यहां पर क्या है, इट इज ए फ्री रेडिकल रिएक्शन। मीनिंग ये जो रिएक्शन हो रही है लाइट आ गई, तो मीनिंग ध्यान रखना मैक्सिमम जो फ्री रेडिकल जो रिएक्शन है ना वो किसमें प्रोसीड होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो यहां पर आपको हिंट मिल जाएगा, जब भी लाइट आ रही है मीनिंग यहां पर मैकेनिज्म कौन सी होनी है, फ्री रेडिकल रिएक्शन। एंड ऑक्सीडेशन अकर एट कार्बन एटम नेक्स्ट टू द इथरल ऑक्सीजन टू फॉर्म हाइड्रोपरोक्साइड। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहां पर क्या मेंशन कर रहा है कि जब भी आप डाई इथाइल इथर की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट प्रोसीड करवा रहे हो तो वहां पर क्या बनेगा, हाइड्रोपरोक्साइड बनेगा। लेकिन यहां पर कहां पर अटैच होगा, तो जो इथरल ऑक्सीजन है इसका नेक्स्ट वाला कार्बन, मीनिंग क्या बोल सकते हैं इसको, अल्फा बोल सकता हूं। अदरवाइज इथरल ऑक्सीजन के नेक्स्ट वाले कार्बन और हाइड्रोजन के मिड में किसको इंसर्ट करवाना, ऑक्सीजन को। और साथ में मैकेनिज्म कौन सी है, फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म है। और साथ में क्या हो रहा है यहां पर, ऑक्सीडेशन।
लेकिन जब भी आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है आप उसको क्या बोलते हो, ऑक्सीडेशन बोलते हो। क्लियर है? तो एक तो ये रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है। सेकंड वाली रिएक्शन हैलोजिनेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके आरबीसी की जो बुक है इसको मेंशन करती है और यहाँ से क्वेश्चन भी आया हुआ है आपके आरबीसी बोर्ड एग्जाम में, तो ये ध्यान रखना है हैलोजिनेशन। अब हैलोजिनेशन के लिए आपके पास टू कंडीशन है। पहली कंडीशन होती है आपके पास कौन सी, जब रिएक्शन किसमें है, डार्क में, और सेकंड वाली कंडीशन है जब रिएक्शन किसमें प्रोसीड होती है, लाइट में। तो ऑलवेज कीप इट माइंड, जब भी रिएक्शन आपके डार्क कंडीशन में प्रोसीड होती है तो वहां पर ओनली आपको अल्फा कार्बन पर क्या करना है, हेलोजन को अटैच करना है। जैसे बात करूं मैं, ये भी आपका अल्फा कार्बन होगा और ये वाला भी क्या होगा, अल्फा कार्बन। लेकिन यहाँ पर एक तो आपको हेलोजन अटैच करना है इस वाले अल्फा कार्बन पर, और सेकंड वाले अल्फा कार्बन पर भी क्या करना है, हेलोजन को अटैच करना है। तो यहाँ पर देखिए रिएक्शन किसके साथ है, क्लोरीन के साथ, और कंडीशन कौन सी है, डार्क, मीनिंग ओनली अल्फा हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय हेलोजन एटम। तो यहाँ पर देखो क्लोरीन था तो मैंने एक क्लोरीन तो अटैच कर दिया इस वाले अल्फा कार्बन पर, और एक क्लोरीन अटैच कर दिया मैंने सेकंड वाले अल्फा कार्बन पर। रिएक्शन की कंडीशन क्या होनी चाहिए, डार्क में होनी चाहिए। अगर रिएक्शन डार्क में है तो ओनली आपको अल्फा पोजिशन को हेलोजिनेटेड करना है। क्लियर है? सेकंड यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, चार क्लोरीन रिमेनिंग, दो तो यहाँ पर अटैच होगी, कितने क्लोरीन रिमेनिंग रहेगी, टू क्लोरीन। और जब यहाँ पर क्लोरीन अटैच हुआ तो मीनिंग रिप्लेसमेंट किसका हुआ, हाइड्रोजन का, तो यहाँ से कितने हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे, टू हाइड्रोजन। तो दो हाइड्रोजन और दो क्लोरीन आपस में कंबाइन होकर क्या बना लेंगे, टू HCl मीनिंग हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मेशन कर लेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये वाली कंडीशन। क्लियर है? दोनों कंडीशन आपको लर्न होनी चाहिए। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड एक्सेस ऑफ क्लोरीन ऑल द हाइड्रोजन एटम्स आर सब्स्टिट्यूटेड। यहाँ पर क्या होगा, अगर मान लीजिए आपके पास इथर है, इसकी रिएक्शन किसके साथ है, पहली बात जो क्लोरीन आपने यहाँ पर मेंशन किया वो किसमें होना चाहिए, एक्सेस होना चाहिए, मीनिंग इसकी लार्ज अमाउंट होनी चाहिए। फिर क्या होनी चाहिए, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो इस वाली कंडीशन में क्या होगा, इस वाले इथर में जितने भी हाइड्रोजन है उन सब हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट किसके जरिए हो जाएगा, क्लोरीन के जरिए। तो काउंट करो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 3, 2, 5, 2, 7, 3, 10, तो मीनिंग 10 हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट 10 क्लोरीन के थ्रू। तो मीनिंग जहां पर हाइड्रोजन अटैच है वहां पर बॉन्डिंग कौन बना लेगा, क्लोरीन। तो यहां पर देखो CCl3 सिंगल बॉन्ड, CCl2 ऑक्सीजन, CCl2 CCl3, मीनिंग यहां पर 10 हाइड्रोजन को रिप्लेसमेंट करके कौन आ गए, 10 क्लोरीन आ गया। अब यहां से 10 हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हुआ है तो 10 हाइड्रोजन किसके साथ कंबाइन होंगे, 10 क्लोरीन के साथ। तो यहां पर क्या बन जाएंगे, 10 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। कुल मिलाकर बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन सी होती है, हैलोजिनेशन वाली, मोस्ट है आरबीसी बोर्ड एग्जाम के अंदर, तो इसका स्पेशली क्वेश्चन आ रखा है आपके बोर्ड एग्जाम में। दो ही कंडीशन ध्यान रखनी है, अगर रिएक्शन आपके डार्क कंडीशन में तो ओनली अल्फा पोजीशन है, इसको आपको क्या करना है, हैलोजिनेटेड करना है। अगर आपके पास सनलाइट है और आपको एक्सेस के अंदर हैलोजन प्रोवाइड किया है तो उस वाली कंडीशन में जितने भी हाइड्रोजन एटम है उनको सब्स्टिट्यूट करना है, और उन हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके कौन से एटम से बॉन्ड बना देना है, हैलोजन से। तो ये ध्यान रखना आपको, इस टाइप से रिएक्शन वो आपके कंप्लीट होती है। तो यहां पर आकर जो भी आपका चैप्टर था ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, यहां पर आकर कंप्लीट होता है। इस वाले चैप्टर में जितने भी आपके एनसीईआरटी की रिएक्शन और आरबीसी की रिएक्शन थी उसको टोटल को मैंने इंक्लूड कर लिया है। अगर वीडियो में कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने क्लासमेट फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू।